हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूल्स एंड कम्बस्टन। इस फ्यूल्स एंड कम्बस्टन में हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल और व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स जो है एनर्जी की यूनिट्स कैलोरी हो गई, उसके अलावा जूल हो गए, अर्ग हो गए, BTU, CHU, इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये कन्फर्म हो गया। ठीक, उसके बाद में कैलोरीफिक वैल्यू हाउ वी विल डिफाइन, ये हमने आपको एक प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल बॉयज बम कैलोरीमीटर, और इसके बाद में फिर कैलकुलेशंस हो गई, बॉयज कैलोरीमीटर हुआ। वी हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग इन प्रीवियस वीडियो, इसमें सब कुछ हमने आपको बता दिया। बॉयज कैलोरीमीटर जो है गैसियस या वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल के लिए होता है, बम कैलोरीमीटर सॉलिड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए होता है। कैलकुलेशंस, ये जो फार्मूले हैं ये आपको मैंने किए, थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकली आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि हर एक जो एलिमेंट है उसका कैलोरीफिक वैल्यू पर केजी दिया हुआ है, रेडीमेड वैल्यू ये सब निकाल दी गई है कि हाइड्रोजन अगर 1 kg है तो 34,500 किलो कैलोरी हीट निकलेगी, कार्बन 1 kg है तो 8080 किलो कैलोरी एनर्जी हीट निकलेगी, सल्फर जो है वो 1 kg है तो 2240 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। इस बेसिस पर हमारे पास फार्मूले बना गए, ये फार्मूले हमारे पास यहाँ पर अब रेडी हैं अप्रॉक्सीमेट। क्या कि अगर आपको HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो आप इससे निकालोगे, NCV या LCV जिसको बोलते हैं वो इस फार्मूला से निकालोगे, थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला जो है ये कैलोरीमीटर से भी था, ठीक है। तो इस पर फिर अब आपको करने की क्या जरूरत है, न्यूमेरिकल जबरदस्त तरीके से करना है। यू मस्ट गो थ्रू बुक, और आपको मैं बताऊं, इफ़ यू आर इन बीटेक तो बीटेक में कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशंस भी जो है डेसिमल के कई प्लेसेस तक जाती हैं। एज यू कैन सी इन दिस, ऑल्दो आई हैव स्कैंड द बुक, और आपकी बुक से ही क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि वेट ऑफ कोल बर्नड इतना हो गया, ठीक है, जो कोल है उसका वेट दिया है, फिर उसके बाद में वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर 2592 ग्राम हुआ, वेट ऑफ बम कैलोरीमीटर एटसेट्रा 3940 ग्राम हुआ, राइज इन टेम्परेचर 2.732 डिग्री सेल्सियस एंड मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑपरेटर 0.098, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इफ फ्यूल कंटेन्स 8% हाइड्रोजन कैलकुलेट लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज 587 कैलोरी पर ग्राम, ये दिया हुआ है। आपको मैंने फार्मूला सिंपल बता दिया था यहाँ पर, W+W T2-T1/X इफ करेक्शंस हैव नॉट बीन गिवन। करेक्शंस मैंने आपको बताया, वहाँ पर एसिड करेक्शन था, फ्यूज वायर करेक्शन था, वो सारे फार्मूले प्रीवियस वीडियो में, गो थ्रू दैट बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसको थॉरोली आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक आपके पास कैपिटल W था फार्मूले में और दूसरा क्या था, स्मॉल W था। स्मॉल W क्या था, मैं आपको शो करा दूं, व्हाट वाज द स्मॉल W। This small W is water equivalent of calorimeter, stirrer, bomb, thermometer, etc. ठीक, and initial temperature T1 degree Celsius, final temperature T2 degree Celsius, so T2-T1, you can say this is delta T, ये तो आप निकाल सकते हो, no problem. What is X? This is the weight of fuel sample taken, तो आप HCV निकाल सकते हो, HCV में 0.09H, यानी percentage of hydrogen, into 587 कर देंगे, तो LCV निकल आएगा। ये फॉर्मूला आपको पहले से तैयार होना चाहिए, दोनों वीडियोस एक साथ आप रेडी करें, क्योंकि मैंने जो करंट वीडियो है उसमें एप्लीकेशंस आपको ज्यादा मिलने वाले हैं और थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, ये जो स्मॉल W है, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल W, दिस स्मॉल W इज वाटर इक्विवेलेंट,
वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर स्टीरर पंप थर्मोमीटर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट ना देके ये जो केस है, ये वेट ऑफ वाटर और पंप दिया है और मीन स्पेसिफिक हीट दिया है। ठीक है, वाटर पंप कैलोरीमीटर इनका वेट और मीन स्पेसिफिक हीट दो चीज़ें दी हैं, तो या दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या तो डायरेक्टली आपको स्मॉल डब्ल्यू दे दिया जाए, अगर स्मॉल डब्ल्यू डायरेक्टली नहीं दिया तो वेट और स्पेसिफिक हीट दिया। अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, व्हाट न्यू यू आर गेटिंग, कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ऑपरेटर्स निकालने के लिए आपको जो अगर वेट दिया है तो उसको मीन स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन लिसन माई वर्ड्स थॉरली, स्पेशली व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग कैलोरीफिक वैल्यू इन बीटेक क्लास एंड दिस इज बेस्ड ऑन पंप कैलोरीमीटर, तो वहां पर या तो वाटर इक्विवेलेंट डायरेक्टली दिया, दैट सो फार सो गुड, यू विल पुट हियर। अगर वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया तो वेट ऑफ पंप कैलोरीमीटर ये दिया रहेगा और मेन स्पेसिफिक हीट दी होगी, जिसको आपको क्या है मल्टीप्लाई करना। ठीक, राइज इन टेम्परेचर हैज बीन गिवन, सो सिंपली यू कैन पुट एंड यू कैन फाइंड आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज द टेक्निकलिटी आई हैव डिस्कस्ड, दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर बुक। अनदर क्वेश्चन यू विल गेट ऑन बर्निंग 0.83 ग्राम ऑफ सॉलिड फ्यूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ बम कैलोरीमीटर, टेम्परेचर ऑफ 3500 ग्राम ऑफ वाटर, ये कैपिटल डब्ल्यू है, इंक्रीज्ड फ्रॉम 26.5 टू 29.2, सो यू कैन गेट डेल्टा टी फ्रॉम दिस। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर हियर, यू आर लकी, वाटर इक्विवेलेंट डायरेक्टली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आर दिस, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू है और ये लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की जरूरत पड़ती है एनसीवी निकालने के लिए, आपको खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है और एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट है, आ ही जाता है। ठीक है, सो पुट द फार्म इन दिस फार्मूला, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन बाई एम, ये आप इस तरह से एच सी वी निकाल लें। एन सी वी के लिए आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि 0.7% है, तो 0.7 यानी 0.9 इंटू दिस 0.7 डिवाइडेड बाई क्या बताया 58 मल्टीप्लाइड बाई 587, सो दिस विल बी व्हाट आंसर है। सो फार्मूला इज, सॉरी एक हियर इज ए मिस्टेक, 0.09H, दिस इज 0.09H, 0.09 इंटू एच की जगह हमने ये लिखा है, ये 0.09 है, ये एच है और ये लिखा हुआ है, टाइपिंग में इतनी सारी मिस्टेक्स हो जाती है। सो एन सी वी इज इक्वल टू एच सी वी माइनस 0.09H, अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दिस इज 0.09H, देयर इज ए टाइपोग्राफिकल एरर जिसको मैं शो करना चाह रहा हूँ, दिस इज 0.09H, ठीक इंटू ओके यस, यहाँ पे देखो ये कर टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ये लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट 0.09। A coal has the following composition. अब theoretical पे questions आपके फॉर्म मिल सकते हैं। Coal has the following composition: carbon percentage, oxygen percentage, sulfur percentage, nitrogen percentage, ash content. And net calorific value of fuel was found to be this. Calculate percentage of H and GCV. ठीक है? Simply HCV आप निकाल सकते हो, net calorific value plus 0.09H. प्लस 587, 0.09H, अगेन इंटू 587, इंटू 587, 0.09H इंटू 587, व्हाट इज नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप LCV लिखते हैं। सो आपको फार्मूला फिर से एक बार कंफर्म दो जगह
आई एम सो सॉरी मिस्टेक है, तो उसको देख लीजिए क्या है कि एल सी वी इज इक्वल टू एच सी वी माइनस 0.09 H इंटू 587। सो एच सी वी अगर निकालना हुआ तो ये माइनस वाली वैल्यूज इस साइड में आके क्या हो गई हैं, प्लस में हो गई। ठीक है, सो कंटिन्यू दिस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एच सी वी निकालिए। अब दूसरी बात आती है, एच सी वी थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हो 1/100 80 सी, ठीक 34500 H माइनस फार्मूला फिर से आप एक बार देख लीजिए, फार्मूला जो भी है वो यही है यहाँ पर, ये आपका दिस वन 1/100 80 सी 34500 H माइनस 4/8 प्लस 2240 S। यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला और इसी में रख के आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगेन अनदर प्रॉब्लम, आपको परसेंटेज दिए हैं, परसेंटेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, ये आपका 22 किलोमीटर का प्रॉब्लम हो। कंबस्टन ऑफ 1 m³ ऑफ अ गैसियस फ्यूल हैविंग कंपोजिशन CO, CH4, H2, C2, H2, N2 एंड रिमेनिंग बीइंग CO2। ध्यान दीजिए जो CO2 है इसका कोई फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं जा रहा है, ठीक। सो इट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, जो CO2 है उसका कोई फर्दर कंबस्टन नहीं होने जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब अगर CO है तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CO2, अगर जो हाइड्रोजन है CH4 है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, अगर H2 है तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म H2O, ठीक। सो फॉर ईच, अगर C2H2 है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, इन सब के लिए हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकाल लेंगे, ठीक। टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज दिस एंड एक्सक्लूड CO2 क्योंकि ये फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करने जा रही है। व्हाट इज दिस, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 0.68 m³ आया, ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन जो है वो केवल कितनी 21% है, तो ये इसीलिए 100/21 किया कि कुल कितनी एयर की रिक्वायरमेंट होगी। हियर इज अनदर प्रॉब्लम, आप इसको देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबका परसेंटेज दिया है, ठीक। कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल सैंपल, ठीक। नाइट्रोजन जिसमें नॉन कम्बस्टिबल है सो कैलकुलेशन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी का आपके पास एयर का अमाउंट दिया। हियर इज अनदर प्रॉब्लम आई हैव लेफ्ट फॉर यू, इसको आप कर लिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स एक गुड फ्यूल, मैंने बताया न्यूमेरिकल्स आप प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स उठाइए, इंटरनेट से उठाइए, बुक से उठाइए, कहीं से भी करिए, 3-4 फार्मूले आपके पास फुल हैं जिनको देख के आपको करते रहना है, ओके। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, फर्स्ट सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी द फ्यूल सेलेक्टेड शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पस, यानी जो पर्पस है आपका उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा हुआ तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो मॉडरेट होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए इग्निशन टेम्परेचर नॉट लो, यानी फ्यूल उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना भी कम ना हो कि व्हाइल यू आर ट्रांसपोर्टिंग इट और उसमें आग लग गई। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए यानी जब जरूरत हो तो हम उसको इग्निट कर सकें। व्हाट अबाउट मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लो होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। नॉन कम्बस्टिबल मैटर एस, जिसको आप राख बोलते हो, एस कंटेंट मस्ट बी लो, जो एस कंटेंट है वो काफ़ी कम होना चाहिए। रेट ऑफ कम्बस्टन अगेन इट शुड बी मॉडरेट नॉट फास्ट, जैसे आप बोलते हो हस्क पुआल, जो धान का होता है पुआल पैरा जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ नॉट ए गुड फ्यूल क्योंकि उसका रेट ऑफ कम्बस्टन काफ़ी फास्ट है,
जब तक आपकी हीटिंग हुई नहीं पर्पज साल में हुआ उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगा। सो रेट ऑफ कंबस्टन शुड बी मॉडरेट। व्हाट अबाउट वोलेटाइल मैटर? ठीक, हाई वोलेटाइल कंटेंट गिव्स लॉन्ग फ्लेम, हाई स्मोक एंड रिलेटिवली लो हीटिंग वैल्यू, इसीलिए जो है इससे कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। सो वोलेटाइल मैटर कम होना चाहिए, कास्ट जो है रीजनेबल होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इजी होना चाहिए। सो फूल मस्ट बी सुटेबल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, लो मॉइस्चर कंटेंट, लो नॉन कम्बस्टिबल मैटर वैल्यू, मॉडरेट रेट से होना चाहिए, वोलेटाइल कंटेंट लो होना चाहिए, कास्ट इकोनॉमिक होना चाहिए एंड सो। सो देयर इज कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। यू कैन सी कैलोरीफिक वैल्यू, एक जनरल सॉलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स का मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है, यू मस्ट रीड इट। व्हाट अबाउट सॉलिड फ्यूल्स? सॉलिड फ्यूल्स आपके पास बेसिकली क्या है, वुड है और क्या है, कोल है। कोल आपका जो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला किया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल ये जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक, और ये आपको डिटेल में पढ़ना भी होता है। ओरिजिन मैंने बताया, कार्बोनिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल मटीरियल, वेजिटेबल मटेरियल से जो कार्बोनिफिकेशन से क्या बना, कोल बना, यानी जो वेजिटेबल मटेरियल थे, प्लांट थे, ये सब थे, वो सब थे। जब आप जो भी बोलते हो खुदा अल्लाह भगवान जो भी थे, उन्होंने जब कहते हैं तबाही मचाई या कहीं से भी कुछ ट्रेजडीज हुई, तो ये सब सारे पेड़ पौधे डीप अर्थ में जब चले गए, तो डीप अर्थ में वहाँ पर उनको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिला। उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ऑर्गेनिक कंटेंट्स, बाकी जो वोलेटाइल मैटर थे वो रिमूव आउट होते गए, बचा क्या, कार्बन और उसके साथ कुछ एक नॉन वोलेटाइल कंटेंट, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल। हजारों वर्ष लग जाते हैं कोल बनने में, जिसको आजकल माइनिंग करके निकालते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, सबसे एक जो धरती पर आपको मिलने वाला है ये क्या, वुड है। उसके अलावा पीट, लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, देन एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इट्स बेस्ट क्वालिटी कोल, ये भी क्वेश्चन आता है। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज एंथ्रेसाइट, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट जो है इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद बिटुमिनस कोल, फिर लिग्नाइट कोल, फिर पीट, देन वुड। पीट यू मे हैव सीन, पीट आपने देखा होगा बहुत पुराने बाग में या कहीं पे जहाँ पे कई कई सालों तक कोई ना जाता हो जंगल में, तो जो लीव्स फॉल डाउन होती हैं या उसकी लकड़ियाँ थोड़ी फॉल डाउन होती हैं, वो बिल्कुल सड़ के कोल बनने की वो फर्स्ट स्टेज कही जाती हैं, जो ब्लैक कलर की धरती पड़े रहते हैं, दैट इज पीट। यानी पीट यू मे कंसिडर ये फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन। ओके, सो वी हैव गिवन हियर द कार्बन कंटेंट, ये वुड में 40-50%, पीट में 45-60%, ब्राउन कोल हो गया, बिटुमिनस कोल हो गया, और एंथ्रेसाइट 90-95%। कहीं पर अगर 80-90% लिखा है या 80-95% लिखा है तब भी सही है, ठीक, ये डिपेंड करता है। तो ये आपका एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी और मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू का कोल होगा, ठीक, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होंगे, सबसे पुराना कोल एक तरह से कह लीजिए। वी हैव टू एनालाइज, बीइंग इंजीनियर एंड स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको कोल की एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में तो वहाँ पर जब कोल आता है, यू मे हैव सीन सम मूवीज, मेरे ख्याल से यू ऑल आर फॉन्ड ऑफ दिस, तो आपने देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी। तो उसमें क्या है कि जो कोल को फिलअप करते हैं तो उसमें फिर पानी डाल दिया उसको टू मेक इट हैवी, तो वेट कंटेंट उसका ज़्यादा होगा। तो सिंपली इफ यू आर इंजीनियर एट थर्मल पावर स्टेशन, तो वेट के अकॉर्डिंग आप अगर उसका प्राइस तय करते हो तो यू विल बी इन लॉस। तो क्या है कि जो कोल आता है, बींग इंजीनियर यू हैव टू एनालाइज कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसमें ये सब वाटर कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें निकाल लेते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पर उसकी प्राइस तय करिए, ना कि उसके वेट, डायरेक्ट वेट की।
बेस पे, तो somebody else if they have added some additional water, तो moisture content में वो चीज माइनस हो जाएंगे. So there are two types of analysis of coal, जैसे proximate analysis and ultimate analysis. जो proximate analysis है, this is empirical. This is just empirical. इसमें जो है data varies with procedure adopted, यानी किस तरह से कौन प्रोसीजर अडॉप्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा वेरी करेगा. ये सिर्फ ये बताता है यस आर नो, क्या है यस या नो. इंपीरिकल एनालिसिस है कि उसमें मॉइस्चर है, ऐश है, वोलेटाइल मैटर है, फिक्स्ड कार्बन है. जो अल्टीमेट एनालिसिस होती है वो कंपोजिशन देता है एग्जैक्ट कि उसमें कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट. तो दोनों, अच्छा दोनों ही एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बोथ टाइप ऑफ एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो टेक दिस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. फर्स्ट आप सपोज मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आपने जो आपके पास कोल आया था उसको आपने लिया और उसको फिर हीट किया, हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जिससे कि कोल बर्न ना करे. हीट करने के बाद में देखा है इतना वेट लॉस हो रहा है, तो आपने सिंपल बताया भाई आपके कोल में इतना परसेंट मॉइस्चर है, दैट इज लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इनटू 100. तो अब यहाँ पर आपसे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा कि आपको भीगा हुआ कोल लाके दे दे रहा है. सो सिंपली प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि कोल को आपने लिया, उसको हॉट एयर ओवन में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया 1 आवर के लिए और अगेन वेट ले लिया, फिर निकाल लिया. अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दैट्स अ सिंपल फॉर्मल एनालिसिस है. यू मे डिटरमिन द वोलेटाइल मैटर आल्सो, वोलेटाइल मैटर कितना है. इसके लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइड सैंपल लिया और उसको लेफ्ट इन द क्रूसिबल अलॉन्ग विद लिड एंड हीटेड मफल फर्नेस 250 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट, देन कूल्ड. जो वोलेटाइल मैटर था वो क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस पे रिमूव आउट हो गया होगा. कितना लॉस हुआ ये आप वोलेटाइल मैटर निकाल सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा ऐश कंटेंट, राख, जिसको आप सिंपली राख बोलते हो, तो राख कितना है ये आप निकाल सकते हो भाई. ऐश कंटेंट आपने एक यूनिट अमाउंट ले लिया, उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया, ठीक, विदाउट लिड, यानी उसकी बर्निंग करवाई, तो S या राख जितनी हुई डिवाइडेड बाय वेट टेकन इनटू 100. आई हैव स्टेटेड अर्लियर दिस इज एम्पिरिकल बट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, जिसमें आप मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, S और फिक्स्ड कार्बन ये निकालते हैं, ठीक है. फिक्स्ड कार्बन या परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, S, यानी आपका जो बेसिक है वो क्या है, मॉइस्चर कितना, वोलेटाइल मैटर और एस, इनके परसेंटेज को निकाल दें तो कार्बन परसेंटेज. इससे आप इजीली एक आइडिया ले लेते हैं जो कोल परचेज करने की पोजीशन में हो कि ये चीज़ें हमको एनालाइज कर लेंगे, ठीक है. साइंटिफिकली अगर आपको अल्टीमेट एनालिसिस करनी है, देन यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, जहाँ पर जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है, जैसे कार्बन का परसेंटेज, इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो सिंपली आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक. तो ये चीज़ें सिंपली आप जैसे मैंने फार्मूला लिखा है आप उसको लिखो, या सिंपल जैसे आप लिखते थे कि 12/44, ठीक, और उसके बाद में क्या लिखते थे, क्या हो गया, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते थे. यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक. हाइड्रोजन का परसेंटेज 2/18 मास ऑफ वाटर, ये इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 इज जस्ट एब्जॉर्बर, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करके कितना बढ़ा है, बस वही दिखा रहा है, ठीक. तो ये आप इससे निकाल सकते हैं. नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के आपके पास 2 मेथड थे, एक जेल डाल मेथड था, एक ड्यूमास मेथड था. यहाँ पर हम आपको जेल डाल मेथड सिंपली जो पुराना था वही पढ़वा रहे हैं. यू कैन डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ सल्फर आल्सो, वेट ऑफ BSO4, ये आपको सिंपली 32/, ये सिंपली जब हम लोग कभी 11-12 को पढ़ाते तो ऐसे लिखते थे क्या, 32/233, यानी कि मॉलिकुलर मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर
और ये मॉलिकुलर मास आप BSO4, वेट आप BSO4, वेट आप होल सैंपल इंटू 100। सिंपली आप बिल्कुल सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है, पुराना फार्मूला जो आपके पास था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन डिटरमिन एच कंटेंट, एज यू नो दैट ऑक्सीजन कंटेंट डिटरमिन नहीं करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन इन सब का परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 में से घटा देंगे, जो रेस्ट होगा दैट विज ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, अगेन थिंक अबाउट दिस, आपके कोल में ऑक्सीजन होना जरूरी है, अच्छा है या बुरा है, थिंक अबाउट दिस। ठीक, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से और एच अवेलेबल फॉर कंबस्टन बिकम्स अनअवेलेबल, मतलब कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक, लेट अस कंटिन्यू। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोल एंड कोक? तो कोल एंड कोक में डिफरेंस, जो कोल है, कोल जो आपने माइनिंग से निकाला है इसको हम हीट करके क्या निकाल सकते हैं, कोक, और उसके बाद में क्या अदर मैटर, कुछ और मैटर जितने भी हैं वो निकल जाएंगे, जिसको पायरोलिग्नियस एसिड बोलते हैं। ठीक, तो कोल जो हैवी होता है वाटर में डिप हो जाता है, जिसको आप लोग पत्थर कोयला बोलते हैं। ठीक, जो कोक है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो ये ब्लॉक था उसमें जगह जगह से वोलेटाइल कंटेंट निकल जाते हैं, ये पोरस हो जाता है, पोरस हो जाता है, फट जाता है, इसमें एयर फिलअप हो जाती है। दिस कोक फ्लोट्स ऑन वाटर, कोल डिप्स इन वाटर, कोल हैवी होता है, इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। ठीक, मॉइस्चर कंटेंट और वोलेटाइल कंटेंट निकल जाने के बाद कोक में कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन कोक एंड कोल। देर आर सम लिक्विड फ्यूल्स ऑल्सो, जिसमें पेट्रोलियम फ्यूल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी स्टडीज की, गैसियस फ्यूल्स भी होती हैं, बस इनका नाम, और जैसे नेचुरल गैस हुआ, नेचुरल गैस में क्या क्या है, CNG, व्हाट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें बेसिकली मेथेन होता है 90% के अराउंड। इसके अलावा LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, कोल गैस। ठीक है, फिर बायोगैस हुआ। ठीक, बायोगैस प्लांट्स लगते हैं, तो ये थोड़ी सी स्टडी आपको जरूरी है, बाकी कुछ हम काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल्स, हम नेवर मिस टू ट्राई कैलकुलेशंस, बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इन दिस वे हैप्पी लर्निंग एंड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन।